अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आशीन फूड क्लब चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम आलू की टिक्की के लिए चावल का आटा किस तरीके से तैयार करेंगे। सबसे ज़्यादा जो टिक्की अच्छी बनती हैं वो चावल के आटे से बनती हैं, टेस्टी बनती हैं और कुरकुरी बनती हैं। तो हमने जो है यहाँ पे 500 ग्राम चावल लिए हैं। चावल को जो है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करना है। चावल जो है हमें देसी लेने हैं। पानी डाल दिया हमने चावल के अंदर। इन्हें जो है हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि चावल का सारा स्टार्च अच्छे से उतर जाए। बहुत ही अच्छे से मसल लें चावल को, इस तरीके से लगातार एक मिनट इन्हें अच्छे से मसलते रहें। वैसे तो चावल का आटा मार्केट में भी मिल जाता है बना हुआ, लेकिन घर का आटा जो है एकदम फ्रेश होता है। जब घर में हम चावल का आटा बनाते हैं तो हम जो है चावल को अच्छे से वॉश करके बनाते हैं। चावल को जो है हमने 4 बार बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए इस तरीके के हो गए हैं चावल। ये वाला पानी भी हम निकाल देंगे, सारा पानी निकालना है हमें इसके अंदर से। चावल का आटा जो है टिक्की में डालने के साथ साथ हम चिकन फ्राई, पकौड़ी या आलू के कटलेट बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। हमने जो है छन्ने रख दिए एक पतीले के ऊपर, और उसके ऊपर जो है एक शिफॉन का कपड़ा ले लिया है बारीक, और सारे चावल जो है हमने उसके ऊपर डाल दिए हैं, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। बाउल को बहुत ही अच्छे से साफ कर लें। सारे चावल डाल दिए हैं, इस तरीके से इसका सारा पानी निकल जाएगा। इसे हल्का सा हाथ से दबाएं, जिससे कि सारा पानी बहुत ही अच्छे से निकल जाए। सारा पानी हमने चावल के अंदर से निकाल दिया है। चावल को जो है हम ट्रे के अंदर फैलाएंगे। सारे चावल जो है हम ट्रे के अंदर डाल देंगे और एक दिन की धूप में सुखाएंगे। एक दिन की धूप में जो है चावल बहुत ही अच्छे सूख जाएंगे। इस तरीके से सारा चावल उतार लें शिफॉन के कपड़े के ऊपर से, और ट्रे में इसे इस तरीके से फैला दें। फैलाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर हमें एक हल्का सा मलमल का कपड़ा ढककर सुखाना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर डस्ट ना जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चावल के ऊपर जो है मैंने एक बारीक सा कपड़ा डाल दिया है मलमल का। चावल को हम छत पर रखकर पूरे दिन की धूप लगाएंगे। एक दिन की धूप में जो है चावल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, चेक कराएंगे हम आपको। एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता चावल को सूखने में। देखिए चावल जो है बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। इन्हें जो है हम पीस के एक डब्बे के अंदर स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि हम रमज़ान में टिक्की बनाएं या पकौड़ी या किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी में से निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे। चावल को जो है हमने जार के अंदर डाल दिया है। मैंने जो है 500 ग्राम देसी चावल लिए थे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चावल का आटा बनाना है तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसका जो है मैं आपको बारीक आटा पीस कर दिखाऊंगी। एक मिनट में जो है इनका चावल का आटा बहुत ही अच्छे से बारीक हो जाएगा। वैसे तो टिक्की जो है कई चीज़ से बन जाती है, जैसे कि चावल के आटे की जगह हम सूजी भी डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स, लेकिन जितने अच्छे चावल के आटे की टिक्की बनती है तो हमें जो है चावल के आटे से ही बनानी चाहिए। हम जो है आलू की टिक्की की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मिनट में जो है चावल बहुत ही अच्छे से बारीक हो गए हैं। चावल का आटा जो है एकदम परफेक्ट बना है। आप भी इसी तरीके से चावल के आटे को स्टोर करके रखें। पिसे हुए चावल को जो है आप सालों साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इंशाल्लाह खीर के चावल भी हम आपको बहुत जल्दी बना कर दिखाएँगे कि खीर के चावल को भी हम सालों साल के लिए किस तरीके से स्टोर करें। हमें जो है बहुत ध्यान रखना है, चावल जो है एकदम सूखे हुए होने चाहिए। अगर चावल अच्छे से सूख जाएंगे तो ये पिसे हुए चावल जो हैं सालों साल भी ख़राब नहीं होंगे। हमने जो है चावल को एक डब्बे के अंदर निकाल लिया है और इन्हें जो है हम बंद करके रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।